केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 90% से बढ़ाकर 100% किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रूपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट के सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को वापस लेने की अपील। राम जेठमलानी ने बताया कि सुब्रत राय ने आज लखनऊ पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। निवेशकों के पैसे नहीं लौटाने के मामले में सुब्रत राय ने आज सफाई दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि वह कहीं भाग नहीं रहे बल्कि कल डॉक्टरों से मिलने गए थे। राय ने यह भी कहा कि वह बिना शर्त सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानेंगे और पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आज भाजपा राज्य भर में रेल रोको अभियान चला रही है। इसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पटना समेत कई शहरों में ट्रेनें न चल पाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई ट्रेनें जहां तहां रुकी हुई हैं। भाजपा नेता नितिन गडकरी द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की याचिका पर अदालत ने केजरीवाल को समन भेजा। मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह की बैठक में आज ONGC और OIL को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की 10% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने IOC में अभी 10% की हिस्सेदारी बेचने की पेशकश की है। शुरुआती कारोबार के दौरान शेयर बाजार मजबूत। सेंसेक्स 124 अंक की तेजी के साथ 21,111 अंक पर खुला। निफ्टी भी 27 अंक के सुधार के साथ 6,265.55 अंक पर पहुंच गया। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर देशभर में विज्ञान से जुड़े कई कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। फरहान अख्तर और विद्या बालन की फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स आज रिलीज हो रही है। शादी के साइड इफेक्ट्स प्यार के साइड इफेक्ट का सीक्वल है।